हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्ज़ी एक अनोखे तरीके से, जो शायद आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे लोग भिंडी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन इसी सब्ज़ी को अगर हम एक अलग तरीके से बनाएंगे तो वो ज़रूर खाना पसंद करेंगे। तो फिर चलिए आज हम एक अलग तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम भिंडी, वो भी ताज़े हरे हरे। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी लिया है, ये बिल्कुल ताज़े और हरे हैं। तो आप जब भी भिंडी को चूज़ करें तो इसे इस तरह से ऐसे करके तोड़ के देखें। जब ये इस तरह से टूट जाएगा तो आप समझ जाइए कि हमारे ये रेसिपी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अक्सर हम भिंडी खरीदते समय कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे इस तरह की भिंडी ले आते हैं जो हमारी रेसिपी के लिए सही नहीं है। इस तरह की भिंडी आप ना ख़रीदें। इस तरह की भिंडी ख़रीदने से हमारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। हमने इन सारी भिंडियों को अच्छी तरह से छांट कर अलग कर लिया है। ये सारी भिंडियाँ सॉफ्ट हैं, बिल्कुल नरम हैं, हमारी रेसिपी के लिए ये बहुत अच्छी है। तो चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं। हम इसे हल्के हाथों से कुछ इस तरह से साफ करेंगे ताकि इसमें जो डस्ट है वो अच्छी तरह से अलग हो सके। तो एक से एक बार इस पानी से अलग कर लेते हैं। तो ये जो पानी है इतना गंदा हो चुका है, इसे अलग करना ज़रूरी था, तो इस पानी को हम फेंक देंगे। तो जब भी आप भिंडी को धोएं तो उसे एक या दो पानी से अच्छी तरह से साफ़ करें। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है, तो इसे हम अलग कर लेंगे। इसे एक बार फिर से हम अलग कर लेंगे। अच्छी तरह से साफ हो चुका है, ये देखिए। हमें एक काम और कर लेना है, भिंडी को धोने के बाद इसमें जो पानी है इसको बिल्कुल सुखा लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े लिए हैं। आपके पास जो भी कॉटन के कपड़े हो तो इस तरह से फैला लें और भिंडी को आप इस तरह से अलग अलग कर दें। कुछ देर बाद ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे, तब हम इसे काटेंगे। इसे आप पंखे में भी सुखा सकते हैं, उससे भी ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। जब तक ये सूखेंगे तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम सारे खड़े मसाले का ही उपयोग करेंगे। हमने इस मसाले में 2 चम्मच सरसों लिया है, वो भी पीली वाली, और तीखे के लिए 2 लाल मिर्च लेंगे और 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी लेंगे, और इसमें आपको 2 गांठें हल्दी की भी लेनी है और 2 हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 1 साबुत प्याज लिया है और ज़ीरा और काली मिर्च। आप चाहें तो इन सारे मसालों की जगह पे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर आप लहसुन और प्याज खाना पसंद नहीं करते हो तो यहाँ पे किचन किंग मसाले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है तो यहाँ पर लाल मिर्च बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप सिर्फ हरी मिर्च खाते हैं या फिर लाल। मैंने सब्ज़ी की ग्रेवी को बढ़ाने के लिए 2 टमाटर भी लिया है। अदरक को छील लेने के बाद हमने इस अदरक को 2 टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर को आप कुछ इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रख लीजिए। हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं चाहिए क्योंकि थोड़े ये बड़े रहेंगे तो सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सकेंगे। तो आप सारे टमाटर को कुछ इस तरह से काट कर अलग रख लीजिए। फाइनली 5 मिनट के बाद हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुकी है। तो मैंने इसे बिना पंखे में रखे हुए ही सुखाया है और ये बहुत अच्छी तरीके से सूख चुकी है, इसमें भी नमी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, भिंडी का ये भाग और ये भाग हम कट करके अलग कर देंगे। और अगर भिंडी बड़ी हो तो उसे इस तरह से बीच से काटेंगे। तो सारी भिंडी को हम इसी तरह से काट लेते हैं।
तो हमने सारी भिंडियों को कुछ इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आप भी इसी तरह से काट लीजिएगा। तो हमारी भिंडी भी कट चुकी है और मसाले भी तैयार हैं, तो चलिए हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम भिंडी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि भिंडी को एक बार ही डाल देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, तो आप नमक थोड़ा सा ही यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि हमें मसाले में भी नमक डालना होगा। नमक डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे, उसके बाद इसे ढककर कुछ देर के लिए पकने देंगे। तो भिंडी को हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से उलट पुलट करेंगे, वरना ये जो है टूटने लगेगी। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप भिंडी को फ्राई करने टाइम लो फ्लेम पे कीजिएगा। हम इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे, जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। तो हमारी जो ये भिंडी है ये लगभग तैयार हो चुकी है, ये लगभग तैयार हो चुकी है, ये देखिए। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप भी इसे फ्राई करने टाइम ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, बस इतना ही हमें चाहिए। ये ऊपर ऊपर हल्का हल्का लाल हो चुका है, तो अगर तेल ज़्यादा हो तो इसे इस तरह से अलग कर लें। तो इसे हम इसी तरह से हल्के हाथों से निकालेंगे, वरना ये टूट जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा सरसों, ये पीला सरसों है, इसमें चटकने देंगे डालकर। प्याज को काट कर रखा था बारीक बारीक, इसे इसमें डाल देंगे और इसे हल्का लाल करेंगे। प्याज हमारा हल्का लाल हो चुका है, तो हम इसमें जो मसाले को पीस कर रखा था इसे इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। तो हमने पहले भी नमक डाला था, थोड़ा सा नमक और डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसमें हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, इससे इसका कलर जो है और भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालिए। और थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से पक सकें। और इसी पानी में हम इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो तब तक के लिए इसे हम ढक देते हैं। अब इन मसालों को कुछ देर हम पकने देंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसमें तेल भी जो है ऊपर ऊपर अच्छी तरह से आ चुका है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे कि हमने जो टमाटर को काटा था इन छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये अच्छी तरह से इसी में इसे पकाएंगे। और ये 2 मिर्चों को भी इसी में डाल देते हैं। और इसे हल्के हाथों से एक बार फिर से अच्छी तरह से चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो टमाटर आप तभी डालें जब मसाले अच्छी तरह से भून जाएं। तो हम इसे कुछ देर के लिए और ढक देते हैं ताकि ये पक सके। हमारे मसाले फिर से अच्छी तरह से भून गए और हमने जो टमाटर को डाला था वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी टाइम हम फ्राई किए हुए भिंडी को भी डाल देते हैं। और इस टाइम आप जो चलाएंगे तो इसे धीरे धीरे चलाइएगा, ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे मसालों को एक दूसरे में मिलने जुलने दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएं तब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी डालिएगा। यहाँ पे मैं बहुत ही कम ग्रेवी रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने चावल के साथ दाल भी बनाया है, तो आप इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम पानी डाला है जिससे ग्रेवी बहुत कम बनेगी। तो इसे कुछ देर के लिए ढककर पकने देंगे। हमारी जो भिंडी है वो अच्छी तरह से गल चुकी है और फ्राई भी हो चुकी है, सिर्फ मसाले में उसे एब्जॉर्ब करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारी भिंडी जो है कितनी गली है और कैसी गली है। इसकी ग्रेवी ठीक हो चुकी है, तो हम यहीं पे इसे
उतार देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये इसमें जो तेल हमने डाला था वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो इसे हम उतार देते हैं। हमारी सब्ज़ी बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, हमने इसे कुछ देर ठंडा होने दिया है, तो देख लेते हैं कि कैसी बनी है। ये थाली मैंने आपके लिए सजाई है, दिखने में ये बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्टी है। गर्मी के दिनों में आप ये शाकाहारी भोजन खाकर बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो मैं इसे चखकर भी बता देती हूँ कि ये कैसी बनी है।